गई वहां पे, इतने तीर्थंकर मोक्ष गए. तो आज हम वापिस समझवा शालीभद्र को हमको सुनना है. तो मैं ये कह रही थी कि आपने सुना कि वो भद्रा सेठानी कह रही है कि भाई राजा बड़ा कीमती होता है, आज तेरे को चलना पड़ेगा. उसने सोचा अरे राजा तो कोई किराना, किराना जानते नौ ये क्या आटा दाल चावल की दुकान होती है ना, वो किराने की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है यहाँ राजस्थान इंडिया में किराना कहते हैं उसको, किराने की दुकान. अभी तो आपके ऐसे ऐसे मॉल इंडिया में भी आ गए जहाँ सब चीज मिलती है, एक स्थान है वहां पे सब चीज मिल जाती है. नहीं तो किराने की दुकान में रसोई का सारा सामान वो किराने की दुकान कहलाती थी. तो राजा ने कहा उसने शालीभद्र कह रहा है कि क्रय विक्रय में हारी के दरकार है, दरकार है अपने घर में अम्मा ही आधार है, आधार है. प्रतिदिन पगलियां ठोकूं रे चरणा में माथो झोकूं और नचाऊं माओ क्यों है बुलाओ. शालीभद्र कहता है क्रय विक्रय कुछ चीज खरीदनी और बेचनी, उसको पता नहीं राजा कोई व्यक्ति होता है, उसने सोचा कोई चीज है इसलिए मेरी क्या आवश्यकता है, दरकार माने आवश्यकता, मेरी क्या आवश्यकता है और हमारे घर में तो अम्मा जो करे वही सब कुछ होता है, इसलिए मैं तो मेरा काम क्या है प्रतिदिन आपको प्रणाम करके झुक के प्रणाम करके आशीर्वाद लेना, इतना ही मेरा काम है और मुझे कुछ नहीं, और तो सब आप देखते हैं तो मुझे क्यों आप बिना मतलब मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं. तब भद्रा सेठानी बोली हंस बोली मां राजा नहीं किराणो है तू बन बैठो बाबू मन में श्याणो है ओ है अपनो मालिक रे, ओ है अपनो मालिक रे सारा रो है संचालक किया समझाऊं नंदन वेग बुलाऊं धीमे धीमे बोल अरे तू बावलिया बावलिया चुगले से कोई चुगल चिड़ी जू चावलिया चावलिया लेनो देनो पड़सी रे अखड़ियों कोई घाट घट सी तू तो ले भोले भाऊ वेग बुलाऊं. उसने कहा माँ कहती है हंसते हुए उसको हंसी आ गई कि देख ये समझता अभी तो इसके ये पता नहीं है राजा कौन है. माँ ने हंसते हुए कहा राजा कोई किराने की वस्तु नहीं है, ये हमारा मालिक है अन्नदाता है और ये हम सबको संचालन करने वाला है. इसकी दृष्टि से ही हम लोग ये राजा को रंग कर सकता है, रंग को राजा कर सकता है. मैं तेरे को कैसे समझाऊं तुझको अभी तक ये भी पता नहीं है, धीरे धीरे बोल. अरे बावड़िया बावड़िया मैंने बावड़ो कहे नहीं बावड़ा राजस्थान में बावड़ा किसे कहते हैं पागल पग कुछ बोला इन्होर धीरे धीरे बोल बावलिया तेरे को पता नहीं है चुग ले सी कोई चिड़ी चावलिया जैसे चिड़ी चावलिए को चावल को चुग लेती है ना कितनी भी चीज हो उसको चावल चुग लेती है वैसे चुगलखोर क्या करता है चुगलखोर क्या कहता है चुगता है ना बात को चुग लेता है हाँ ये बात अब चारों तरफ फैला यदि किसी चुगलखोर ने ये बात सुन ली तो क्या होगा लेना का देना पड़ जाएगा और तू तो ये समझता नहीं है ये हमारा सारा वैभव सब एक मिनट में खत्म हो जाएगा. ओ संपूर्ण मगध जनपद रो त्राता है लाखा ही मिन खारो भाग्य विधाता है तुरत राक ने राजा रे राजा ने राक बनावे प्रभु तारो पार न पाओ वेग बुला. ये संपूर्ण जनपद मगध राज्य इसका क्या है त्राता है सबकी रक्षा करने वाला भाग्य विधाता है हम सबका ये
से क्या कर सकता है? शिव कर सकता है। रंक से राजा और राजा से रंक कर सकता है। इसकी प्रभुता का कोई पार नहीं पा सकते, राजा के बराबर कोई कर सकता है क्या? और यदि कड़ी दृष्टि हो गई तो फिर हमारा ये वैभव, हमारी विभूता एक मिनट में खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे घर में राजा जी आए हैं तो इस बात को समझ, बहुत कीमती है चीज। तो उसने कहा, भद्रा सेठानी विनती कर रही है, बड़े भाग्यशू अपने घर है पावनो पावनो, ज्यू त्यों कर राजा ने आज रिझावणो रिझावणो, लाल लाडला आ जा रे, लाल लाडला आ जा रे, एकर श्यों सूरत दिखा जा, एकर श्यों सूरत दिखा जा, पाछो पहुंचाऊ नंदन वेग बुला। भद्रा सेठानी कहती है कि बड़े भाग्य से हमारे घर पावणा, जानते ना मेहमान, पावणा किसको कहते हैं? मेहमान को पावणा कहते हैं। आज पावणा आई है, मारवाड़ी में क्या कहते हैं? पावणा आई है आज, पावणा। बड़े भाग्य से ये हमारे घर में मेहमान बने हैं, इसलिए आज तेरा काम क्या है? ज्यों त्यों करकर उनको खुश करना है। पावणा कभी भी नाराज होके नहीं जाना चाहिए घर से, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा के वैदिक में क्या, अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होते? देवता के स्वरूप होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में अतिथि को कितना सत्कार होता है ना, अतिथि का। अभी तो भारतीय संस्कृति पर भी पाश्चात्य का असर आ गया, पाश्चात्य संस्कृति का असर हो गया है। दिल्ली में मुझे एक बहन बोली कि महाराज सगी बहन भी आती है ना तो अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी व्यक्तिगत प्राइवेसी खत्म हो जाती है ना, सब अटेंड करना पड़ता है। तो लेकिन हमारे यहाँ थी कि अतिथि कोई आ जाए, पुराने जमाने में बहने, जो पुरानी बहने, कितना आप सोचो, एक ही बात अपनी भावी पीढ़ी को कहती कि भाई घर से पावणा कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। पावणा कोई आ गया तो वो भूखा नहीं जाए। मैंने कहा नहीं, मेरी बहन की एक सासू, मेरी बहन की सासू रतनगढ़ की, वो हमेशा चार जनों का खाना ज्यादा बनाती थी, उसके घर में ज्यादा ही बनता था। अचानक कोई आ गया तो, अचानक कोई काम वाला आ गया तो खाली पेट नहीं जाना चाहिए, अपने घर से खाली पेट नहीं जाना। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे संस्कार होते हैं। उसने कहा, राजा जी आए हैं, बेटा तू चल एक बार सूरत दिखा देना, फिर तो मैं तेरे को भेज दूंगी, लेकिन एक बार तेरे को जाना पड़ेगा। अब शालीभद्र ने ये बात सुनी, उसका मन क्या हो गया, क्या हो गया, बदलने लगा। उसने सोचा, रे मैं तो सोचता था कि मैं ही मेरा मालिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मेरा भी कोई मालिक है। अब ये बात में सोच रहा है वो, और उसी समय उसने सोचा, मानव तू है राही, सरितारो सलिल प्रवाही, अपने सुख दुख रो तू करता अपने आप गवाही, मानव तू है राही, उठो अनमनो आलसी मोड़, माँ चरणा प्रण मैं कर जोड़, चौथी मंजिल जानो है राजा जी बहलानो है, अरे और कोई स्वामी है शालीभद्र पैनामी है, जाप करो भुलावे मैं खिण खिण खटके आही, मानव चल सारे पुर में है श्रेणिक भद्रा घर में है, अब तक भद्रा सुतियन जान, कुण है राजा क्यों मेहमान, अजब गजबरी हस्ती है मोहक मादक मस्ती है, आज सामने प्रेरक अवसर अब राही मुड़ जाही, मानव तू है राही, मानव तू है राही। शालीभद्र आलस मोड़ के उठा,
भगवान माता जी को प्रणाम तो पहले ही कर दिया, फिर प्रणाम किया कि भाई आपके आदेश को तो मैं कभी उल्लंघन कर ही नहीं सकता, माँ के आदेश को मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। आज भी ऐसे मातृभक्त हैं। हम लोग बंगाल में एक घर में गए, चार भाई, और माँ के प्रति इतना सम्मान चारों भाइयों का कि भाई कहते थे कि हमारे घर में माँ हमारे लिए भगवान है। माँ यदि करोड़ रुपए की बात कह दे तो हम नहीं सोचेंगे, हो गई वो माँ की बात। तो आज भी ऐसे परिवार बहुत हैं जहाँ पर माँ बाप के प्रति एक आस्था, एक भावना, और वो उनके लिए लाभदायक है। क्योंकि बुजुर्ग कभी भी, मैंने एक बार पहले भी कहा था ना, बुजुर्ग किसी भी घर में क्या होने चाहिए, नाराज नहीं रहने चाहिए। कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है, हम भारतीय संस्कृति में रह के बुजुर्गों के प्रति एक भाव चेंज हो रहा है, वो ठीक नहीं है। हम एक गांव में गए तो वहां पर चार भाई और वो पिताजी बैठे थे, आपस में झगड़ा चल रहा था। तो भाइयों ने कहा, महाराज इस बुढ़े को समझाओ, आप इस उम्र में भी इसको इतना आसक्ति, आने सोचो एक बाप को बेटा क्या कह रहा है, देखो कितना दर्द होता है ना। कि जिसको हो सकता, मैं सोचती हूँ बहुत बार बूढ़ी पीढ़ी, बुजुर्ग पीढ़ी गलत होती है, उनकी आसक्ति हो सकती है कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हम अपनी ओर से क्या उनके उनके प्रति कैसा कर सकते हैं, ये जरूरी है। तो मैं कह रही थी कि उसने प्रणाम किया और मन में सोच रहा है कि चौथी मंजिल जाना है, इतनी पीढ़ियां उतर के जाना है। और मन में, उसके मन में जो कष्ट है, उसने सोचा रे आज तक मैं कितना भुलावे में था, अपने आप को समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा क्या हूं, साहजा सब कुछ सब चीज, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा भी कोई राजा है। ये बात उसके मन में आ गई भुलावे में, उसने सोचा मैंने बहुत भुलावे में, बहुत भ्रम में रहा, लेकिन अब ये मन में, उसके मन में कष्ट तो है, लेकिन और इधर पूरे राजगृह नगरी में क्या हलचल, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अरे श्रेणीक राजा भद्रा सेठानी किया मेहमान है, बहुत बड़ी बात होती है राजा किसी के घर मेहमान बने, और पूरे साजबाज के साथ, रानियां सारे सैनिक सब चीज के साथ साडंबर राजा जी हैं, और लोग क्या कर रहे हैं बात कि देखो कितना आश्चर्य है, राजा श्रेणी घर में है और बेटे को भी पता ही नहीं है कि राजा जी घर में आए हैं क्या, कितना गजब मस्ती है, हस्ती, ऐसा होता है क्या कि घर में इतनी बड़ी हो और राजा को बेटे को पता ही नहीं है। अब ये मैं सोचती हूँ कि कल उतारते, शालीभद्र को उतरने में टाइम लगेगा ना, कल पूरा करेंगे, आज चूंकि भेड़िया उतरनी है वैसे कल उतारते हैं, तो उतार तो मैं दूंगी भलाई नहीं नहीं है अभी तो बड़ी है, हाँ आज उतार दो भद्रा आगे आगे है, लाल लाडलो सागे है, ओ सुत साली भद्र सुकुमार, लो पिहारी करो स्वीकार, देव कंवर सी दिव्य छटा, प्रण में दोनों हाथ उठा, ओला झुकता भूपति भुजा युगल सू, लीनो गोदी उठाई, मानव तू है रानी। एक एक सीढ़ी चिंतन करते करते एक एक सीढ़ी उतरा राजा जी सामने, भद्रा सेठानी आगे चल रही है और पीछे पीछे शालीभद्र है, और जैसे ही राजा ने उसका रूप देखा, अद्भुत रूप, देव कंवर जैसा रूप, अब राजा जी तो उसको, जैसे ही राजा के पास गया और बोला ये मेरा बेटा है, आपको उपहार दे रही हूँ, मैं लेकर आई हूँ, उसको समझा रखा था शालीभद्र को कि राजा के पास जाते ही क्या करना है, प्रणाम करना है, उनके पैरों को छूना है, प्रणाम करना है। जैसे ही शालीभद्र झुका, राजा ने क्या किया, गोद में बिठा लिया। सोचा भाई इतना कोमल, इतना सुंदर, मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। अब विस्मित लोग हजारा है, लग रही अजब बहारा है, आमण दुमणों को मलिगात, काराखर की सी आघात, आगे पर जो माखण है, चुवे पसीनों क्षण
उनके उंगलियों के बल पर उचक उचक के देख रहे हैं और लोग देख के विस्मित हो गए कि भाई इस धरती पर ऐसा अजब बाहर लगी हुई है लोग, और इधर उसका इतना कोमल शरीर, कारागर में किसी को बंद कर दो तो कैसा लगता है ना? तो जैसे अग्नि पर मक्खन रखते ही क्या होता है, पिघलने लगता है, वैसे ही राजा जी के शरीर की गर्मी से पूरा शरीर, उसके पूरे कपड़े क्या हो गया, पसीने से भर गए, पसीना पसीना हो गया, नीचे से उतर के भी आया था, पसीना पसीना हो गया, उसको एक एक क्षण भारी लगने लगी। अब राजा जी को वो तो मना कैसे करे कि भाई मैं जाना चाहता हूँ। भद्रा सेठानी वहां देख रही है, भद्रा खड़ी निहारे है, समझे साल इशारे है, बोली महीपति मया करो, बालूड़े पर दया करो, सही नहीं पर नर गर्मी, सिकुड़ गयो शर्मा शर्मी, एक साथ दे दियो अखिलेश्वर आशीर्वाद विदाई, मानव मानव तू है राही। भद्रा सेठानी सामने खड़ी देख रही है और शालीभद्र का चेहरा देख रही है, उसको पता है कि वो अभी बैठा हुआ अभी मन में क्या सोच रहा है, उसका चेहरा देखा, फिर उसने हिम्मत वाली थी, ऐसी नहीं थी भद्रा सेठानी, बड़ी हिम्मत वाली सेठानी थी, उसने हिम्मत करके कहा, बोली महीपति मया करो, दया करो, इस बालूड़े पे दया करो, बालूड़ा मैंने मेरे बेटे पर, मारवाड़ी में क्या होते हैं बालूड़ा नानूड़ा नानड़िया ऐसे सब होते हैं, माँ प्रेम से ऐसे बोलती है, तो इस बालूड़े पे आप दया करो, इसने पर शरीर की गर्मी ये सहन नहीं कर सकता है, ये बेचारा शर्मा शर्मी से सिकुड़ गया है, अब आप एक साथ आशीर्वाद और विदाई एक साथ दे दो इसको, फिर हम आपका स्वागत करें और करें, आप खाना खाओ सब कुछ करो, लेकिन आप इसको आप विदाई दे दो। अब राजा जी ने देखा ठीक बात है न, कि हम मेरे कपड़े भी क्या हो गए, गीले हो गए, नमस्कार कर उठ चलो, सांप का चली तज निकलो, नजर न इधर उधर डारे, सीढ़िया चढ़ गयो फटकारे, लोक देखता ही रह गया, बण प्रवाह पाती बह गया, शालीभद्र में अंतर पूरब पश्चिम पर्वती राई, मानव तू है राही, सरितारो सलिल प्रवाही, अपने सुख दुखी रो तू करता अपने आप ही गवाही, मानो पुनः राजा को प्रणाम किया नमस्कार किया उठा, और जैसे सांपली सांप जब कांचली को छोड़ता है ना तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, कांचली जानते हो सांप, सांप अपने शरीर की चमड़ी जब कांचली होती है ना वो हर 6 महीने बाद या कितने दिनों में छोड़ देता है, और कहते हैं सफेद सांप की कांचली बहुत शुभ होती है, बहुत सारे लोग रखते हैं अपने बस में, तो कांचली जैसे सांप छोड़ता है वैसे वो तो फटाफट सीढ़ियों की तरफ, इधर ना इधर देखा ना उधर, लोगों को देखा ही नहीं किया, जरो लोग देख रहे हैं मुझे, अब शालीभद्र लोग तो देखते ही रह गए वैसे, अरे एक सपना जैसे देखा आया और चला गया। अब शालीभद्र में कैसा अंतर आ गया, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम में कितना अंतर है, पर्वत और राई में अंतर होता है कि नहीं, राई इतनी सी और पर्वत इतना, पूरा टोटली चेंज, एक तरफ पूरा भोगा शक्ति में लीन और अब पूरा चेंज है। अब आगे देखते हैं कि ऊपर जा रहा है, अभी तो आज ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, अभी तो शालीभद्र की मूल चीज तो बाकी है, अभी कल हम पूरा करेंगे, चूंकि आज संवत्सरी भी है तो मैं, बहुत सारे लोग आज उपवास करने वाले हैं, कल रात को भी कुछ लोगों ने बचका था, तो सबसे पहले जिन्होंने उपवास संवत्सरी के बारे में थोड़ा हम कल भी बताएंगे, आज बताना था मैं ध्यान नहीं दिया, तो जिनको उपवास पचकना हो एक साथ जिनको लंबी, हाँ विपिन भाई के तो आज 8 है क्या, विपिन भाई के आज 28 है, 8 28 क्यों करते पता है ना, रश्मि भाई की 28 है,
अठाई क्यों करते हैं, आठ कर्म होते हैं ना, आठ कर्मों की अठाई होता है। तो आज इन्होंने तो पीछे मैं नमो अर्हन थानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यन नमो, हाँ धाना प्रमाणी कल सवेरे सूरज उदित तीन बार का त्याग है, त्याग। अब जिनके उपवास पचकने वाले हैं अलग से, आज के दिन उपवास करने वाले नहीं है, उपवास ले लिया था तब कोई बात नहीं, नहीं लिया आई बिल एकासन, एकासन वाले खड़े हो जाए, नमो अर्हन तान नमो सिद्धान नमो आयु नमो जय नमो वैसे त्याग है धारण पर एक बार से ज्यादा। व्यासना, व्यासना वाले आज एक ही है किरण भाई, व्यासना है नमो अर्हन तान नमो सिद्धान नमो आयु नमो जय नमो त्याग है वैसे। सामायिक जिन्होंने सामायिक किए ना आपने, दो सामायिक आ जाती है इस समय, पचकते ना दो समय किया करो एक साथ, नौवें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा है तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावधि प्रवृत्ति की है, वचन की सावधि प्रवृत्ति की है, काय की सावधि प्रवृत्ति की है, सामायिक व्रत का सम्यक रूप से पालन नहीं किया हो, सामायिक को समय से पहले पारा हो तो तत्सम इच्छा हमें उपकरण नौ कार मंत्र गिन लें आप। आज का